तो आज है अष्टमी और अष्टमी के दिन मम्मी ने दुर्गा माता को बहुत अच्छे से सजा लिया है। और अभी बाकी पूजा करना तो बाकी है, बाकी भगवान लोगों का। और अभी सिर्फ दुर्गा माता को पहनाया गया है उनका ड्रेस, अभी उनको श्रृंगार करना बाकी है और लड्डू गोपाल को भी अभी श्रृंगार करना बाकी है। तभी सब कुछ बाकी है, अभी मम्मी ने तो पूजा भी शुरू नहीं किया है, सब ड्रेस चेंज किया है क्योंकि आज अष्टमी है इसलिए। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, काफ़ी दिनों के बाद, मतलब 3-4 दिन के बाद मैं फिर से व्लॉग शूट कर रही हूँ। तो गाइस, आज है अष्टमी और कल है रामनवमी, मतलब राम जी का जन्मदिन है कल। तो आज हमारे यहाँ, आज नहीं, अष्टमी की रात को और नवमी के, मतलब ये जो पूजा होती है, आज के दिन पूजा होने वाली है, वो रामनवमी की होती है, जो आधी रात को करते हैं, मतलब 12-1 बजे तक करते हैं। तो जिन जिन लोगों की अभी पूजा होती है और जो भी पूजा करते हैं, जैसे हमारे यहाँ मम्मी करती हैं, तो उनको पूरी रात जागना पड़ता है। फिर नेक्स्ट डे भी पूजा है हमारे यहाँ, जैसे मैंने बताया था आपको, उसके लिए हमने करा भी लिया था। तो अभी पूजा होने वाली है और पूजा होने वाली है, तो ये सारा सोफा कारपेट टेबल सब हटेगा, यहाँ कुछ भी नहीं रहेगा। और इनको इनको अंदर ही बैठना रहता है आजकल, ये तो बाहर बैठेंगे ही नहीं, अंदर ही बैठना रहता है इनको। और ये बाहर था तो अभी सीधा बन रहा था, बहुत गुस्सा भी बहुत करता है कि मुझे अंदर क्यों नहीं जाने दे रहा। और ये कारपेट हटाएंगे तो उसका पैर स्लीप होने का डर है, इसलिए हम उसको अंदर नहीं आने दे रहे थे, लेकिन जब उसको मौका मिला तो दौड़ के अंदर आ गया। लेकिन अभी कुछ देर बाद फिर बाहर निकलना, और ये बाहर भी नहीं निकलता है, इतना बदमाश है, कितना अभी बैठ गया, देखो बैठ गया। इसको अंदर ही अच्छा लगता है, इसको बाहर अच्छा ही नहीं लगता, लेकिन थोड़ी देर की खुशी इसको दे देते हैं, उसके बाद तो इसको बाहर ही निकलना है। जा रहा है, तब इनको निकाला जा रहा है बाहर, लेकिन उड़ने का नाम नहीं ले रहा है। बंदर आ गए, थोड़ी देर के लिए उसको अंदर ही कर दे। हाँ, बंदर आए हैं, उसके लिए सेफ नहीं है, ये बंदर कितने बदमाश होते हैं सब जानते ही हैं। कुकू अंदर आजा, अंदर आने दे, आ रहा है। आजा, 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 आजा। अब वो जान बूझ के ना, अब वो ज्यादा वो हो गया उसको। अंदर ही बैठा दो। अरे उसको उसको कुछ उसके मन मन के अगेंस्ट करो ना, तो ज्यादा निकलने दीजिए, मारेंगे ना बंदर, तब पता चलेगा उसको, वो अपने आ पाएगा फिर, उसको बंदर मारेंगे तब। इतने बड़े बड़े बंदर आए, उसको टांग के ले जाएंगे। अच्छा, तो इनको मिल गया है यहाँ पे बीही, और ये मस्त बैठ के बीही खा रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पे इसको इसको उठा के, उसको उठा के भी ले जा सकते हैं हम लोग, इतने बड़े हैं। थप्पड़ मार के चले जाएंगे तो अभी खड़ा है और देख रहा है बंदरों को, लेकिन शायद बंदरों की नजर अभी इन पे नहीं पड़ी है। मैं अभी चलती हूँ अंदर, नहीं तो इन बंदरों का कोई भरोसा नहीं है, भरोसा नहीं है। तो गाइस, यहाँ पे कुकू आज सुबह सुबह दी के साथ खेल रहा है, और दी उसको सहला रही है, तो उसको बहुत अच्छा लग रहा है। और दी जब जा रही है तो ये इसके पीछे पीछे जा रहा है, और आज इसको घर में आने को नहीं मिल रहा। हाँ, आज पूजा होने वाली है तो आज घर की साफ सफाई होगी। अब ये मेरे पास आ रहा है कि मैं इसको करूँ। आजा, आजा, लेकिन मैं नहीं कर सकती, बिकॉज मेरे पास है कैमरा, तो मुझे हटना पड़ेगा पीछे। ये जितना सीधा दिखता है उतना सीधा है नहीं। उसको ऐसे ही सहलाओ, वो बोल रहा है, देख रही है, सहला रही है तो कितने अच्छे से। वो दे, 2400 घंटा बाहर रही है, तो 2400 घंटा इनकरा साथे बाहर रहा सहला। ली, 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 ली।
उसको अच्छा लग रहा होगा ना, इसलिए हम लोग स्टार्टिंग से उसकी आदत डलवाए हैं। तो गाइस अभी यहाँ पे सब उठा के निकालने की तैयारियाँ चल रही हैं, तो पर्दे तो निकल चुके हैं, यहाँ के भी अब सब सोफे को साइड करना है। सोफा किस साइड जाएगा? हाँ सब लगा। ये फिर आ रहा है। सोफा किस साइड जाएगा? सोफा उधर ले उठेगा नहीं। हाँ चल देख के आराम से। अभी देख रहे हैं कि यहाँ पे हो क्या रहा है, इनको तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि आज क्या होने वाला है। देखना पता चला कूदने लगे, उठ जाती हूँ मैं। तो यहाँ पे अभी सारा चीज शिफ्ट हो गया, और देखिए देखने में कितना ज्यादा प्यारा लग रहा है ये हॉल, बिल्कुल भी नहीं। और यहाँ पे अभी हॉल धोने का काम चल रहा है, क्योंकि पूरा हॉल धोना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ देखिए इस हॉल में कितना ज्यादा पानी भर चुका है अभी, और ये पूरे दीवार पे पानी पानी करके साफ किए। तो ये तो अभी आराम से बैठे हुए थे यहाँ पे, लेकिन पानी गया तो उठ गए। अच्छा उधर पानी जा रहा है ना, मैं इसलिए उठा हुआ है वो। मम्मी जब फास्ट रहती हैं तो ज़्यादा डांट लगाती है। तो अभी हम लोग कर रहे हैं नाश्ता, 10:30 हो गया है, और आज तो मम्मी का फास्ट है, बाकी हम चारों ही नाश्ता कर रहे हैं अभी बैठ के। तो आज मम्मी का फास्ट है, लेकिन सबसे ज़्यादा काम आज मम्मी को ही करना है। तो सुने आप लोग ये है मम्मी का कहना। मम्मी अपनी वकील खुद बन के आई थी और बोली तो अभी नाश्ता करते हो, नाश्ता करके हम लोग को मटका लेने भी जाना है, क्योंकि रामनवमी के दिन हम मटके में पानी डालते हैं और फिर पूजा करते हैं। तो अभी फिलहाल तो नाश्ता आ चुका है, और हम आज सीढ़ी पे बैठ के नाश्ता करें, क्योंकि आज हॉल में घुसना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अभी फटाफट से नाश्ता करते हैं और फिर नहाएंगे, फिर निकलेंगे मटका लेने के लिए। तो गाइस अभी मम्मी ने तैयारियां शुरू कर दी हैं पूजा के लिए। तो ये पूजा का बहुत लंबा प्रोसेस होता है, अभी तो ये स्टार्टिंग है। तो गाइस अभी मैं और दी भी रेडी हो चुके हैं नहा के, और अभी जा रहे हैं हम मटका लाने। बहुत धूप है, जाने का मन तो नहीं है, लेकिन जाना पड़ेगा फिर भी। तो जल्दी जल्दी जाते हैं, मटका लेके आते हैं और धूप हो जाए उससे पहले। गाइज अभी हम आ चुके हैं मटका लेने, और हम हर साल की तरह इस साल भी इन्हीं के आए हुए हैं मटका लेने। तो यहाँ पे बहुत सारे मटके रखे हुए हैं बनके, ज्यादा बड़ा मटका नहीं लेना है हमें, वैसे छोटा ही लेना है। दो चाहिए था मुझे। एक ले ले। हाँ दोनों, और दिया भी लेना है ना। हाँ।
वाला बड़ा वाला तो गाइस मैं आके यहाँ खड़ी हो चुकी हूँ और दी अभी वहाँ ले रही है। मैं यहाँ पे इसलिए आ गई बिकॉज वहाँ बहुत धूल थी और मेरी छींक स्टार्ट हो गई, तो इसलिए पास नहीं जा रही हूँ। तो यहाँ पे गाय रखने के लिए बनाया है, आप देख सकते हैं कितना प्यारा लग रहा है ऐसा। ये सब देख के गाँव वाली फील आती है। तो अभी हम दूसरे दुकान पे आए हैं दिया लेने और यहाँ पे दी सेलेक्ट करी है दिया। पता नहीं इस बार दिया ही नहीं मिल रहा है, कल रामनवमी है तो रामनवमी के दिन दिया जलाना है तो उसके लिए, तो यहाँ पे दिया भी सेलेक्ट करी है दिया। और यहाँ आप मटका, इतने सारे मटके देख सकते हैं और यहाँ मटके देख सकते हैं। तो अभी इतना दिया मिल चुका है और हमें 24 दिया लेना है, लेकिन ये बहुत काले काले से दिए हैं, अच्छे नहीं हैं। देखते हैं मिल पाता है कि नहीं। तो गाइज आप देख सकते हैं इस पेड़ पे कितने सारे चीकू हैं। जैसे चीकू तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, लेकिन इसको देख के, ऐसे फला देख के पेड़ पे बहुत अच्छा लग रहा है। आ